सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुर्खियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया विच वसदे भारतीयां नूं कीता संबोधन, कहा भारत आस्ट्रेलिया संबंधां दा वड्डा आधार आपसी विश्वास अते आपसी सन्मान। एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी दी कीती तारीफ। जम्मू कश्मीर में अध्यापक रजनी बाला और बैंक मैनेजर के कतल का मामला, कुलगाम की विशेष अदालत ने कतल के मामले में शामिल पांच अतवादी पकौड़े ऐलाने। बरगाड़ी बेअदबी मामले में मुख्य साजिशकर्ता किया गया गिरफ्तार, संदीप बरेटा किया गया गिरफ्तार, बेंगलुरु के एयरपोर्ट तो हुई गिरफ्तारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को दिया बड़ा तोहफा, पुलिस को 98 एमरजेंसी रिस्पोंस वाहन दिए, वाहनों उत्ते लगे हुए मोबाइल डाटा टर्मिनल और जीपीएस सिस्टम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आस्ट्रेली हमरुतबा एंथनी एल्बनीज नाल कुडोस बैंक अरेना पहुंचे, जिथे उन्होंने विदेशी भारतीयों के एक समूह को संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी राज मेहमान वजो आस्ट्रेलिया दौरे पर ने, इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी के ओलंपिक पार्क स्थित इस स्टेडियम में तकरीबन 20,000 भारतीयों को संबोधन किया। इतने सभ्याचारक रंगारंग प्रोग्रामों राही प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। इस बाबत एक ट्वीट में प्रधानमंत्री दफ्तर ने स्थान का एक वीडियो भी साझा किया। उधर आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बॉस ने वो अपने साथी संसद मैंबरों को कहते हैं कि जेकर उन्होंने भारत जानना है तो उत्थे जान रेल और बस राही सफर कर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आस्ट्रेलिया संबंधों का अज सब तो वड्डा आधार आपसी विश्वास और आपसी सन्मान है, सिर्फ दोहां देशों के कूटनीतिक संबंधों तो विकसित नहीं होया। भारतीय प्रवासियों को संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका असल आधार आस्ट्रेलिया में रहने वाला हर भारतीय आस्ट्रेलियाई नागरिक है। विशेष अदालत कुलगाम ने धारा 82 CRPC के तहत एक अहम हुक्म दिंदिया पांच सरगर्म अतवादियों को भगौड़ा ऐलान दिता है। यह अतवादी पिछले साल कुलगाम जिले में अध्यापक रजनी बाला और बैंक मैनेजर विजय कुमार के कतल में शामिल सन। SIU कश्मीर की बेनती उत्ते अरजू अहमद गुलजार, बिलाल अहमद भट्ट, समीर अहमद शेख उर्फ कामरान भाई वासी फरूक की बेनती उत्ते अहमद शेख, हाबिद रमजान शेख और वासित अमी भट्ट को भगौड़ा ऐलाने गए। SIU की टीम वालों स्थानक पुलिस और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी अतवादियों के घरों उत्ते हुक्म की कापी चिपकाई गई। फरीदकोट में साल 2015 वापरे बरगाड़ी बेअदबी मामले में मुख्य साजिशकर्ता डेरा सिरसा की राष्ट्रीय कमेटी के मैंबर संदीप बरेटा आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप बरेटा बेंगलुरु के एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया गया। बरगाड़ी बेअदबी दी तीन घटनावां में ही संदीप बरेटा नामजद से। संदीप बरेटा तो इलावा दो होर कमेटी मैंबर हर्ष धूरी और प्रदीप कलेर भी पुलिस वालों भगौड़ा ऐलाना हुआ से। बरगाड़ी बेअदबी घटना के मुख्य साजिशकर्ता के बेंगलुरु तो हिरासत में लैण तो पिछों फरीदकोट जिला पुलिस की टीम बेंगलुरु रही रवाना हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को वड्डा तोहफा दिता। उन्हें कहा कि पंजाब पुलिस को समय के मुताबिक अपडेट करना और टालना पवेगा क्योंकि अजकल तकनीक का युग है। उन्होंने पुलिस फोर्स लई बजट भी ऐलान किया। पुलिस को 98 एमरजेंसी रिस्पोंस वाहन दिए गए हैं जो GPS की सहूलत नाल लैस ने। इस 86 महिंद्रा बुलैरो 12 मरुति आर्टिगा शामिल ने। इन वाहनों उत्ते मोबाइल डाटा टर्मिनल GPS सिस्टम लग्या होया ता जो लोगों की सहूलत लई जल्दी मदद मुहैया करवाई जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अजिहा इसलिए किया गया कि जदों कोई 112 नंबर डायल करे तो उत्थे पहुंचने का समा घटाया जा सके। उन्हें कहा कि नवीनतम वाहन मुहैया करवाए गए हैं। पुलिस को 98 नवीं एमरजेंसी रिस्पोंस गड्डियां प्राप्त हुई ने जिन्हों को मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दे के रवाना किया। पंजाब पुलिस जी है उन्होंने अपडेट करना, समय की हानि बना क्योंकि अजक टेक्नोलॉजी का जमाना है, पुराने यंत्र जोड़े ने वो इन्ने कारगर साबित नहीं होंगे। सो असी बजट जारी किया फोर्सिज क्योंकि जे
सामने कोई दुश्मन है उहदे कोले जिहड़ी टैक्नोलॉजी है चाहे वह राइफल के रूप च होवे चाहे वह कोई धमाका खेस समगरी जां कोई होर उहदे कोले कोई उपकरण होवे उहदा जवाब फिर उस तो लेटैसट तो उस तो वधिया उपकरण नाल दिता जा सकता। तां अज पंजाब पुलिस के मैं कहूँगा बेड़े दे विच 98 एमरजेंसी रिस्पोंस वहीकल जिहड़े ने वह शामिल होए ने 86 महिंद्रा बलैरो ने ते 12 मरुति क्रिटिगा एक ये जिहड़ी कारां शामिल हुई ने छोटिया गलिया च मरुति क्रिटिगा ते वैसे तुहाडे सामने फ्लैग ऑफ होया तो बलैरो दियां जिहड़ियां मजबूत गड्डियां ने वह पुलिस के बेड़े च आईया ने ते इन्हां गड्डियां दे विच मोबाइल डाटा टर्मीनल्स लगे हुए ने GPS लगे हुए ने ताकि जिहड़ा 112 नंबर है उहदे ते डायल जदों कोई करदा उहदा उहदी जिहड़ी उत्थे उस जगह ते पहुंचण दी टाइमिंग घट सके पहलां वह टाइमिंग लगभग 20 तो 25 मिनट दे विच सी पर लेटेस्ट गड्डियां मुहैया करा के असी मैं पहले भी दस्या सीगा जिस दिन एक फोरेंसिक दे अधिकार जिहड़े उन्होंने नियुक्ति पत्र दिते सीगे कि गूगल जदों असी इनवेस्ट पंजाब वास्ते व्यापारियों नूं मिलन गए सी तां मुंबई दे विच गूगल नाल भी मीटिंग हुई सी। गूगल इस गल लई तैयार है कि असी बिल्कुल अपडेट कर देंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस जिहड़ी है वह गूगल वाले तैयार ने सी आने वाले दिनों दे विच उन्हां नूं इत्थे बुला के उन्हां दी पुलिस दे सारे अधिकारियों नाल साइबर क्राइम वाले नाल सारे नाल मुलाकात करा के असी देश की सब तो अपडेटड और देश की सब तो समय की हानी पुलिस जी पंजाब पुलिस नूं बुलाना चाहते हैं। पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीद दिहाड़े के मौके के संबंध में सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे वड्डी गिणती संगत नतमस्तक होने पहुँच रही है। गुरद्वारा रामसर साहब वह पावन पवित्र स्थान है जिथे श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करवाई सी। पहला स्वरूप संपूर्ण होने उपरंत इस स्थान तो बाबा बुढ़ा जी के शीस उत्ते सुशोभित करके श्री हरिमंदर साहब विखे ले जा के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश किया गया। इस मौके वध रही गर्मी नूं लैके श्रद्धालुओं की आमदन वेखदे होए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दरबार साहब के वांग गुरद्वारा रामसर विखे भी मिठे जल दियां छबीलां लगाईआं गईआं। ऐसे दीन दयाल सतगुरु शहीदां दे सरताज बाणी के बोहत शांति दे पुंज धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी जिन्हां दा अज शहीदी गुरपुरब है देशां विदेशां होर बेअंत गुरु घरां विच धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा है। उत्थे ही अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे गुरद्वारा रामसर साहिब जी विखे गुरद्वारा पिपली साहिब जी विखे होर अनेक गुरद्वारों के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़ी श्रद्धा प्यार भावना नाल मनाया जा रहा है। सच्चे पातशाह जी ने शांतमई रह करके परमेश्वर का भाणा मनदिया होया ओलाह नो मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो कियो दे महावाक अनुसार शहादत प्राप्त की। पर सच्चे पातशाह जी ने शहादत प्राप्त करन तो पहला लाहौर विखे पंज सिंघां नू सिखां नू ये हुक्म दे करके भेजा सी कि साढ़े साहिबजादे धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी नू साढ़े वालों ये आग्या करनी कि जिथे पहले गुरु साहिबान जी वांग पहली गुरु घर की मर्यादा नू बरकरार रखना एक नवी मर्यादा आरंभ करनी वह है कि शस्त्रधारी होना। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने पुजदी संगत ने इस पावन स्थान के इतिहास परंपरावां ते लोड़ींदे दिशा निर्देशों बारे जानकारी देने लई एक वड्डकारी स्क्रीन लगाई गई है। यह स्क्रीन श्री दरबार साहब के मुख्य द्वार के नज़दीक लगाई गई है जिसकी सेवा ओबराय ग्रुप UK दुबई के सरदार जसप्रीत सिंह ने करवाई है। स्थापित की गई स्क्रीन उत्ते श्री हरिमंदर साहब विखे आउंदियां संगतां नूं पंजाबी अंग्रेजी और हिंदी तीन भाषावां विच वख-वख तरह दीआं जानकारियां मुहैया करवाईआं जाणगीआं। स्क्रीन का उद्घाटन करन पहुंचे श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब पूरे विश्व दीआं संगतां लई आस्था का केंद्र है और इत्थे नतमस्तक होण मौके पंजाब तों इलावा देश दुनिया तों संगतां पहुंचदीआं ने।
उन्हें कहा कि स्क्रीन लगाने का मकसद श्रद्धालु संगतों को इतिहास तो वाकफ करवाने के नाल नाल मर्यादा बारे जागरूक करना है। इस दे नाल ही कुछ लोड़ीदे दिशा निर्देश भी संगत तक पहुंचते करने जरूरी ने जो इस स्क्रीन जरिए उभारे जाएंगे। उन्हें कहा कि फिलहाल इस तीन भाषाओं में संगत के ध्यान रखने योग गल्लां प्रस्तुत किया गया है, जबकि अगले दिन अंदर इतिहास से संबंधित जानकारियां भी शामिल कर दी जाएंगी। एडवोकेट धामी ने स्क्रीन की सेवा करने वाले श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया है। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी की पवित्र नगरी सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अज शहीदां दे सरताज पंजम पातशाह साहब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब भी है। गुरु साहब कृपा करन जब सतगुरु साहब गुरु रामदास पातशाह जी ने इस स्थान का निर्वाण शुरू किया, ये समुचियां संगतां अपना दसवंध दे के अपनी कमाई नूं सफल करके इस स्थान पर अपना हिस्सा योगदान पाते ते तद तो ला के इदां ही जुगा जगंतर भी चलिया रहना तो चलिया आ रहा। तो इसी लड़ी दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग अबराए सरदार जसप्रीत सिंह जी दुबई ते इंग्लैंड वालिया ने रल के आ जिहड़ी LCD इत्थे लाई आ। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा शहीदों के पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए। संगतां वड्डी गिणती में गुरद्वारा साहब में नतमस्तक हुईं। गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे हजूरी डागी सिंघा वालों गुरबाणी के इलाही कीर्तन किए गए ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलाके की संगत वालों लंगर ते ठंडे मिठे पानी दीआं छबीलां भी लगाईआं गईआं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिख कौम की सरमोर जथेबंदी है गुरु घर की सेवा कर रही है उन्होंने वालों अज गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। संगतों वालों छबीलों लंगर आदि का प्रबंध है जोड़ा वो किया गया। ये सिख कौम के बहुत वड्डी मैं समझदा भी परंपरा है पुरानी गुरु साहबान तो चल के शहीदियां ने जिहड़ियां उह सिख कौम दे विच टाइम टू टाइम आउंदे आए है, पर सब तो वड्डी जिहड़ी शहीदी है वह श्री गुरु अर्जन देव जी की है। अज असी सारे इत्थे नमस्कार करन लई पहुंचे हाँ। बड़े वधिया माहौल दे विच संगत है जिहड़ी वह परंपरा के मुताबक जी सेवा है वह भी कर रही है और नमस्कार भी हो रही है। धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह, धन धन माता गुजर कौर जी के शहीदी अस्थान गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे अज धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब को समर्पित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पासों रोज तो प्रकाश कराए गए थे जो कि अज भोग पाए गए ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी के शहीदी को समर्पित अज जिहड़ा गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब के मैनेजर से समुचे स्टाफ वालों ये प्रोग्राम लिखा गया जिसकी अज समाप्ति हुई है। मैं जिथे उन्होंने शहीदों को प्रणाम करदा उत्थे संगतों का भी धन्यवाद करदा और बेनती भी करदा कि आओ आपां उन्हां शहीदां नूं हमेशा याद करिए उन्हां दे चलाए हुए पूर्णियां ते चलिए। शहीदां दे सरताज पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा बुढ़लाडा के गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नवीन विखे समूह संगत के संयोग नाल बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया, जिथे वड्डी गिणती विच संगतां ने गुरु साहिब अगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए ते उस तो बाद रागी जथे वालों पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण करवाया गया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पंचम पातशाह शहीदों के सरताज शांति के पुंज उन्हों का शहीदी गुरपुरब हर साल की तरह इस साल भी गुरद्वारा साहब विखे समूह संगतों के सहयोग के नाल बड़े उद्यम प्यार सत्कार के नाल मनाया जा रहा है। स
सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने हर पक्ष तो सहयोग दे के प्रबंधक कमेटी का मान बढ़ाया है ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਵਨ ਵਾਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 350 ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 700 ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ 1 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ SSP ਖੰਨਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ DSP ਸਮਰਾਲਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਔਰ SHO ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੋਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਇਰਡ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲੋਡਡ ਸੀਗਾ 700 ਥੈਲੇ ਵੇਇੰਗ 50-50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਦੀ ਵਰਥ ਸੀਗੀ 32 ਲੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 76 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420-120B ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 700 ਥੈਲੇ ਵਜਨੀ 50 KG ਈਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਬਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਨਿਊ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੋਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਉਰਫ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਥਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੇਡ 'ਤੇ ਆਪ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਲਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਥੈਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 100% ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਥ 32 ਲੱਖ ਸੀਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ EO ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ EI ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬਿਕੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਵਾਰਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 21,600 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਘਟਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका सकत्र सरदार रघबीर सिंह राजसंसी ने पंजाब दे विच लगातार हो रही बेअदबी घटनावां की निंदा करदे कहा कि बेअदबी रोकने लई पंजाब अते केंद्र सरकार सख्त कानून बनावे जिस नाल बेअदबी करन वाले उत्ते सख्त कार्रवाई की जा सके। पंजाब दे विच बेअदबियां दा दौर कोई अज नहीं शुरू होया, ये बहुत पुराना चलन रहा वा, पर लेकिन कुछ सालों तो बेअदबियां दा रुझान जिहड़ा है वो इस करके भी वध्या पिया वा कि इहदे विच मतलब पंजाब नू सिखां नू दबाउण वास्ते सिखां नू चढ़ाउण वास्ते ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि कुछ तो कुछ ये एजेंसियों का भी रोल है। एजेंसियों को यह गल का पता जिहड़े पिछे बंब धमाके हुए ने वो सधारण बंदियां कोलों इहोजे कार्रवाई करवाउणी ये जिहड़ी आ ये एजेंसियों तो सवाए होर किसे दा काम नहीं। एजेंसियां पंजाब नू चैन नाल नहीं बैठन देंदियां, इस करके इहदे ते एजेंसियां ते कंट्रोल करना चाहीदा और पंजाब सरकार नू इहदे उत्ते सख्ती नाल काम करना चाहीदा और बेअदबियां लई सख्त कानून बनाने चाहिए। टांडा उड़मुड़ श्री हरगोबिंदपुर मुख मार्ग उत्ते शाहबाजपुर नथुपुर मोड़ उत्ते वापरे सड़क हादसे विच मोटरसाइकिल सवार बजुर्ग व्यक्ति जख्मी हो गया जिसनों टांडा के विज हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। जख्मी व्यक्ति की पहचान हरकृष्ण मसा सिंह वासी अंडेराली मंडी कानू वन गुरदासपुर वजों हुई है। यह हादसा सवेरे 7:15 बजे के करीब उस वेले वापरिया जदों स्कूल जा रहे विद्यार्थी की स्कूटी मोटरसाइकिल सवार नाल टकरा गई जिस कारण हरकृष्ण सिंह गंभीर जख्मी हो गया। यह हादसा किन हालातों में वापरिया पुलिस इसकी जांच कर रही है। गुरदासपुर के मोहल्ला शहजादा नंगल में एक नौजवान विक्रांत मसीह और उसकी प्रेमिका नेहा वालों जहरीली वस्तु निकल के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक मृतक नौजवान विक्रांत मसीह ने अपने रिश्तेदारों को विदेश जाने के लिए 24 लाख रुपए दिए थे, पर उसके रिश्तेदारों ने ना तो उसनू विदेश भेजा तो ना ही उसके पैसे वापस किए, जिस करके नौजवान काफ़ी परेशान से और धारीवाल जाके उसने अपनी प्रेमिका नेहा इस गल बारे दसिया कि उसने जहरीली वस्तु निगल ली है, जिस तो बाद उसकी प्रेमिका नेहा ने भी जहरीली वस्तु निगल ली जिस तो बाद दोहां दी मौत हो गई। पुलिस ने दोहां दी मृतक देहां नू कब्जे विच लेके मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब दी आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सरकार वालों पंजाब में सत्ता संभालने तो पहले कई तरह के वादे किए गए थे, जिन्हां विचों एक वादा किसानों नाल किया गया सी कि किसानों ते आढ़तियों की फसल तुरंत मंडी विचों चुकवाई जाएगी, जो कि पंजाब सरकार वालों इन्हां वादियां नू पूरा करने अधिकारियों नू हदायतां दित्तियां गईयां सन, पर विधानसभा हलका तरनतारन विच इस दे उल्ट वेखण नू मिलिया जिथे कि अज भी मंडियां विच किसानां दी फसल रुल रही है ते खराब हो रही है जिस कारण आढ़ती काफ़ी परेशान वेखण नू मिले। लगातार शिकायतां मिलण उत्ते विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने सराय मानतखां मंडी का दौरा किया तो वेख्या कि आढ़तियों की फसल मंडी में रुल रही है तो ठेकेदार वालों इसकी लिफ्टिंग नहीं की गई जिस कारण आढ़तियों में काफ़ी रोस पाया जा रहा है। आढ़तियों ने पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि मंडी में तकरीबन 3 लाख के करीब गट्टा तुलदा है, पर अजे भी ठेकेदार वालों उन्हां दी फसल की लिफ्टिंग नहीं की गई जिस कारण फसल मंडियों में खराब हो रही है। उन्हें कहा कि इस संबंध में तरन तारण के डीसी को शिकायत की गई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि हलका विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने कहा कि उनका मामला जल्द हल किया जाएगा। देखो जी, सराय मानत खां मंडी दे विच्चों मैनू लिफ्टिंग दियां काफ़ी चिर तो शिकायतां मिल रही सी, उहदे विच मैं जिहड़ा सी इन्हां ने मैनू दस्या सी वी ये DFSC कोल भी गए ने, DC साहब कोल भी गए ने, पर इन्हां दी कोई सुणदा नहीं। मैं DFSC नूं भी 2-4 बार फोन ते भी कहा वा भी उत्थे जाके प्रॉब्लम वेखो की गल है क्यों नहीं हो रही, पर DFSC बस हो गया जी इन्नी लिफ्टिंग हो गई है। सो अज मैनू शिकायतें मिलन ते मैं फिर अज मंडी का दौरा आप करना आया, जो मैं वेखदा वा भी आ तुसीं भी देखिया किस तरह उस तरह ही अंबार लगे, इहदा मतलब आ भी जिहड़ी DFSC आ उह टेंडरकारां नूं बचा रही है, टेंडरकारां दे उत्ते कोई एक्शन नहीं लै रही, जदों के सरकार वालों साफ साफ हदायतां वा भी जे कोई टेंडरकार जिहड़ा वा उह लापरवाही करदा अपने काम दे विच, जे लिफ्टिंग नहीं करदा उहदे नोटिस दे के ते नवां दूजा टेंडरकार नूं दित्ता जावे, जो भी नहीं करदा ते आढ़तियां नूं जिम्मेवारी दित्ती जावे। दिहाती मजदूर सभा वालों भीखी पिंड के बाजारों में रोस मार्च करके मेन चौंक में हलका विधायक सरवण सिंह धुन का पुतला फूकया गया। इस मौके आगुओं को संबोधन करदे दिहाती मजदूर सभा के जिला सकत्र चमन लाल और होर आगुओं ने बोलदे कहा कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार वालों मजदूरों को पंचायती जमीन जिस विच मजदूरों का तीजा हिस्सा बनता है उस विचों 5-5 मरले के प्लाट अलाट करके दिए गए सन, पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सरकार वालों
कटे हुए प्लाटां दा कब्जा नहीं दिता जा रहा, जिस कारण उन्हां नूं रोस प्रदर्शन करना पिया। पुतला असी ताल साड़िया विद्यार्थी मजदूर सभा दे प्लेटफार्म तो, क्योंकि पिछली कांग्रेस वेले जदों पंजाब अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार सी ते उस वेले मजदूरां नूं पंज पंज मरले दे प्लाट अलाट करके दित्ते सी, जिहदियां संधां वी मजदूरां कोल आ, इंतकाल वी मजदूरां दे नां आ, खसरा नंबर आ, जमाबंदी मजदूरां दे नां उत्ते आ। लोग आपके हकों की प्राप्ति लई, प्लाटां दी प्राप्ति लई पौवंड दे मजदूर भैण भरा मेरे नाल खड़े आ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।